सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ ADTA के प्रेसिडेंट हमारे आदित्य सर हैं, साथ में राजपाल जी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के EC के मेंबर हैं, JL गुप्ता जी फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और प्रेमचंद जी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूटा के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज मैं आप सबके बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक तरह से अस्त व्यस्त करके रखा है और जिसके कारण कई सारी परेशानियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स को आ रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार को शिक्षा और शिक्षा में काम करने वाले लोगों से बहुत लेना देना नहीं है, वो तो चाहते हैं कि जितना शिक्षा का स्तर खराब होगा उनके समर्थक की संख्या बढ़ेगी, और यही कारण है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान कई बार देश में अच्छे कॉलेजेस की जब ग्रेडिंग होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कई सारे कॉलेजेस आते हैं, वहाँ हालात बहुत बुरी है। अगर आप बजट एलोकेशन देखेंगे तो बजट एलोकेशन भी केंद्र सरकार की लगातार घटता रहा है। इस बार का बजट एलोकेशन 2.5% था, पहली बार जब आए थे तब 4.5% के करीब बजट एलोकेशन हुआ करता था। अब इसके परिणाम क्या हो रहे हैं कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं अब उनको सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रहा है। ना केवल टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो और बाकी लोग हैं, उनको पेंशन टाइम से नहीं मिल पा रहा है। जानकारी मिली है कि पहले, अब इसको अलग अलग हेड बना दिया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर टीचर उनका अलग हेड है और जो पेंशनर्स हैं, जो एडहॉक टीचर्स हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं, उनके अलग हेड हैं। तो जो पेंशनर्स हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो एडहॉक हैं, उनकी हालात तो बद से बदतर है। 80% दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में 3-3 महीने 4-4 महीने से लोगों की सैलरी नहीं आ रही है। हमारे साथ डूटा के हमारे साथ जितने भी ADTA के मेंबर्स और पदाधिकारी बैठे हुए हैं लगातार इस बात को अलग अलग फोरम पे उठाते रहे, VC को से बात करते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रोज़ मेरे पास प्रोफेसर्स, बहुत सारे टीचर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है, परेशान हैं, कुछ किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से आज एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि टीचर्स ठीक से यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाए, वो तभी होगा जब उसका घर चलेगा, और घर तभी चलेगा जब उसको टाइम से सैलरी आएगा। तो कम से कम आप टीचर के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। आप राष्ट्र निर्माण की बात हमेशा करते हैं, तो राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब ये टीचर्स बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये निवेदन करता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर से कि इसको फौरन, जितने भी टीचर्स या हमारे पेंशनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनको सभी को टाइम पे ये सैलरी मिले। और पहले होता था कि बफर कर दिया जाता था कि अगर कभी एलोकेशन डिले हुआ तो उस बफर पैसे से सैलरी मिल जाती थी, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उसमें भी परेशानियाँ आ रही हैं। तो आगे से इंश्योर करें कि ये जो सैलरी का एलोकेशन है उसमें बफर हो, ताकि ये परेशानी बार बार नहीं आए। तो अब हमारे बीच ADTA के प्रेसिडेंट आदित्य मिश्रा जी हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि आगे और विस्तार से, चूँकि आदित्य सर पढ़ाते भी हैं और टीचर्स की लड़ाई लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, कि क्या क्या समस्या है विस्तार से बताएं आपको। थैंक यू संजीव जी, और सभी पत्रकार साथियों को मेरे नमस्कार, और मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी के जो हमारे दोस्त हैं। आज स्थिति काफ़ी विकटाल है, खाली दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं, सारे हिंदुस्तान में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का हालत
काफ़ी नाजुक है। पिछले 5-6 साल से जब से ये सरकार आई है, डेवलपमेंटल ग्रांट्स और मेंटेनेंस ग्रांट देना इन्होंने बंद कर दिया। आज लाइब्रेरी में किताब, नई किताब के लिए पैसा नहीं है, लेबोरेटरीज में ग्रांट्स नहीं है, लोग बच्चों का प्रैक्टिकल कराना मुश्किल है। जो लोग रिसर्च करते हैं वो अपने जेब से पैसा खर्च करके इक्विपमेंट को भी ठीक कराते हैं, इक्विपमेंट को भी ठीक कराना बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है, उसको भी ठीक कराने के लिए किसी का पैसा नहीं है, केमिकल्स के लिए पैसा नहीं है। ऐसे जो अब शिक्षा का अगर हाथ क्या है, हृदय तो लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, जहाँ रिसर्च होती है, जहाँ पढ़ाई ये सारा चीज़ें चलती है। क्लासरूम का हालत खराब है, कॉलेज का जो मेंटेनेंस है उसमें सफ़ेदी नहीं हो पाती है क्योंकि उसके लिए कोई ग्रांट नहीं है, और कह दिया गया कि जो स्टूडेंट का फीस है उससे आप लेकर के ये सारा मेंटेनेंस करिए। इसका मतलब अभी तक तो क्या है कि जब से दिल्ली विश्वविद्यालय बना, हमारा वो जो स्टूडेंट का पैसा कंपोनेंट पैसा था, हमने उसको छुआ नहीं था, तो उसका काफ़ी वॉल्यूम है, वो आज हमारा रेस्क्यू में आ रहा है ये सारा काम कराने के लिए। अभी 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा जब सारे काम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हम उसी से दें और सफ़ेदी भी उसी से कराए, लेबोरेटरी का भी खर्चा उसी से दे, तो ये डायरेक्ट बर्डन जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर शिफ्ट को जब हो रहा है और फीस भी बढ़ रही है। तो जो शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का मूलभूत आधार है, वो इस सरकार का नीति में कहीं वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्राइवेटाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत जिसके जेब में पैसा नहीं होगा, आप एनरोलमेंट का रेशियो देखिए वो घटता जा रहा है, महिलाओं का एनरोलमेंट देखिए पिछले साल CUET के माध्यम से वो घट गया है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं उनका संख्या घट गया है उच्च शिक्षा में, और ये कहते हैं कि इसमें भी इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया, और वो कहते हैं जिसके वो क्लासरूम, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्लासरूम टीचिंग छोड़ करके ऑनलाइन में चला जाए, तो ऑनलाइन जैसे कि सबके पास है। अब ऐसी हालात में जब ये स्थिति चल रही थी, हमने पत्र के ऊपर पत्र लिखा, हमने लोगों ने पोजीशन लिया कि कल चल करके ये सैलरी का क्राइसिस खड़ा होगा। ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो उससे पहले 4.7% बजट का शिक्षा को एलोकेशन होता था। हम डिमांड करते थे कि भाई इसको 6% कर दिया जाए बजट का, GDP का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो घट करके जैसे संजीव जी बता रहे थे आज 2.5% में आ गया, पिछले साल 2.66 में था उससे भी घट करके 2.5% में आ गया, और उच्च शिक्षा का एलोकेशन भी उसी हिसाब से और घट गया उसके अंदर में। ये तो मैं टोटल शिक्षा की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का भी एलोकेशन और घट गया। तो ऐसी हालात में ये चीज़ें जो हो रही है वो ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंटल चीज़ें हो रही है, उनको भी पता है कि ये चीज़ें होगी, इससे रिगल आउट करने के लिए वो एलोकेशन को बढ़ा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप BOG बनाओ, आप अपनी संसाधन खुद जुटाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हर कॉलेज को पत्र लिख चुके हैं कि आप अपना संसाधन जुटाइए, कहां से संसाधन जुटाएंगे, अलुमनाई फंड से पैसा इकट्ठा करना, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी चल जाएगी और सारे टीचर्स का सैलरी और तनख्वाह चल जाएगी। हकीकत आज ये है जैसे बताया कि दो हेड में बांट दिया गया है, और जो पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन मिलने से उनका परिवार चलेगा, और ऐसे एज में उनका मेडिकल कॉस्ट भी है, उनका घर का मेंटेनेंस भी है, सब कुछ है, जो आपने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं पताया था, उन लोगों को भी आज हाथ पताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो सेंट्रल ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत CPF से GPF में कन्वर्ट हुए थे, उनको भी वो कन्वर्शन को वो पुलिस उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उनको भी पैसा नहीं दे रहे,
हमारा तो डिमांड कहाँ है कि सबको ये जो न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके आप सबको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाओ, जो ऑलरेडी पेंशन में है उनको पेंशन देना इन्होंने बंद कर दिया, महीनों से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, शिक्षकों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, एडहॉक टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सारे लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग क्राइसिस में हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो हमारे वहां पर जो लोग काम कर रहे थे 80% लोगों को इन्होंने हटा दिया और ये प्रोसेस जारी है। कितने बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सरकार दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया जी ने 2 पत्र लिखा भी है इसके संदर्भ में, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट का रेजीम उनका चल रहा है। साथ साथ ये जो सैलरी का क्राइसिस है इतना विकटाल रूप ले चुका है, आज के तारीख में हाहाकार मच गया है। जहां कभी हम लोग बिहार में कहीं और जगह पर सैलरी में देरी होती थी हम लोग खुद इंटरवीन करते थे, आज हमारे लिए कौन इंटरवीन करेगा? और यहां तो सबको जय जयकार है। तो इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का सहयोग से उच्च शिक्षा के साथ न्याय हो, जो पढ़ाने वाले को रेस्पेक्ट ना मिले, पढ़ाने वाले को तनख्वाह नहीं मिले, जो एडहॉक टेम्पररी टीचर्स हैं, जो परमानेंट टीचर्स हैं वो डिफॉल्टर हो रहे हैं, उनका जो लोन कमिटमेंट है वो उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पेंशनर्स आज दूसरे को हाथ बताने में मजबूर हो गए हैं, ऐसे स्थिति में हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं। बहुत अपील हमने कर लिया वाइस चांसलर लेवल में, यूजीसी लेवल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्राइसिस जैसे इमर्ज हुआ 2015 में, ये हमारा न्यूज़लेटर है जिसके तहत हमने बताया कि फंड्स को कैसे काटा जा रहा है। 55% ग्रांट तब 2015-16 में इन्होंने काट दिया था, आज ये बढ़ करके पूरा 100% हो गया है। मेंटेनेंस ग्रांट नहीं है, सैलरी के लिए कंपोनेंट नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निवेदन करते हैं कि इसको जल्दी रेजोल्यूशन करें, एलोकेशन बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मजबूरन हम लोग एक्शन प्रोग्राम करेंगे, हम लोग एक्शन प्रोग्राम करेंगे और राष्ट्रव्यापी एक्शन प्रोग्राम होगा। आप देख लीजिएगा हर जगह पे ताई तराई तराई मचा हुआ है, कहीं भी तनख्वाह नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा और आगे संजीव जी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी गुप्ता जी जेएल गुप्ता जी चूंकि फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं तो 2 मिनट में अपनी बात को। संजय जी, संजीव जी और आदित्य जी की बात का समर्थन करते हुए मेरा भी यही मानना है। आप इधर आ जाइए। हाँ ये बेटर है, मैं इधर आ जाता हूँ। दोस्तों, संजीव जी और आदित्य जी की ने जो बात रखी है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और ये मेरा मानना है कि लगातार कुछ महीनों से जो सैलरी और पेंशन इशू चल रहा है एक गंभीर समस्या है, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। एक तो आदित्य जी ने बताया कि उनको लगातार हमारी ग्रांट कम करते जा रहे हैं और इसका कारण क्या है, उनके इश्यूज़ में उनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं आती है। वो चाहते हैं प्राइवेटाइज करो अपना, जैसे पत्र लिखा है वाइस चांसलर ने कॉलेजेस को, अपने रिसोर्सेज अपने आप जनरेट करो। ये इस तरह से हमारे पास जो समस्या आई है, क्या देखते हैं आज क्या समस्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स बाबा आदम के ज़माने के हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ से 2 वाइस चांसलर वीके आर्मी राव, आपका जो है केन राज वगैरह और भी कई जो है प्रतिष्ठित लोग वहाँ से आए हैं और वहाँ की हालत जाके देखिए लाइब्रेरी की क्या है।
वहाँ जो है गर्मी है और प्लस किताबें नहीं मिलती हैं, कंप्यूटर तो आपका वर्ड सेवन के ना वही मिलेगा आपको। तो सवाल ये, जब रिसर्चर्स को हम पूरी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो रिसर्च से रिसर्च कैसे आगे चलेगा। इसी प्रकार से और बुक्स वगैरह का भी बुरा हाल है, बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं। और मेरा इसमें मानना यह है कि हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से शॉर्ट में बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लगातार जो हम जो हमारे टीचर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनको जो दिक्कत आ रही है उस पर इसका समाधान करें, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, विल बी कंपेल्ड टू प्रोटेस्ट ए नेशनल वाइज एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। Thank you.